एमपी के सिंगरौली में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक पिता और पुत्र लंबे समय बाद एक दूसरे से मिले। इस मुलाकात में सरे पुलिस ने अहम रोल अदा किया और युवक को उसके परिजनों से मिलाने में मदद की। दरअसल 17 साल पहले एक युवक घर से गुजरात नौकरी करने निकला था, जहां से वह लापता हो गया था, जिसके बाद से परिवार वालों को उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज 17 साल बाद सरई पुलिस की मदद से परिजनों को युवक से मिलने का मौका मिला। जानिए क्या था पूरा मामला। हाँ, सरई थाना के छमरस गांव का राम सुंदर विश्वकर्मा, पिता रघुवीर विश्वकर्मा, 2002-03 में वो जो है गुमा था और वो उसका पता नहीं चल रहा था। लगातार उसके परिजन परेशान थे, उसकी एक बेटी भी है, वो भी अपने पिता उसके लिए काफ़ी परेशान थे। इस बात की सूचना मुझे मिली, कुछ लोगों ने संपर्क किया कि इतने दिनों से गुमा है, तो प्रयास करके उसको उत्तर प्रदेश के जालौन से अभी 17 साल बाद बरामद किया है और सकुशल उसको जो है उसको लाकर उसके परिजनों को सपोर्ट किया है। इससे जो है लोगों में काफ़ी खुशी व्यक्त की गई और पुलिस का भी धन्यवाद किया। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी के आदेश अनुसार यहाँ से गुमशुदा ये राम सुंदर विश्वकर्मा और उसके परिजन को ढूंढने के लिए उसके परिजनों के साथ यहाँ से जिला जालौन गए। वहाँ से वहाँ के निकटतम वहाँ काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि वहाँ किसी के यहाँ वो काम कर रहा है, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से वहाँ से उसको बरामद किए, वापस ले थाना लाए और थाना ला करके उसके परिजनों को सपोर्ट किया। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की यह रिपोर्ट।